नमस्ते, मेरा नाम सारिका बहरोलिया है और हमारी फिल्म आ रही है पंचकृति, जो कि आ रही है 25 अगस्त को। तो आप लोगों को जाना है देखने। और हमारी फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी फिल्म है जो कि भारतीय संस्कृति को उजागर कर रही है। जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं जो कहीं विलुप्त हो चुकी थी, उनको हम लोग वापस से सारी पब्लिक के बीच में लाना चाहते हैं कि हाँ, हम लोगों को पता चले कि अच्छा, कहीं पर ऐसा भी होता था क्या, या फिर हम लोग सुनते हैं लेकिन हम लोगों को कंफर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ, अभी हम लोग जब देखेंगे एक कहानी जो सच है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से सजा के परोसा गया है सारी पब्लिक के लिए कि आप लोग देखिए और कुछ सीखिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। बस बाकी मैम बताएंगी। नमस्कार, मेरा नाम हरिप्रिया भार्गव है और मैं इस फिल्म की निर्माता और तीन कहानियों की राइटर हूँ। मेरा एक ही है दर्शकों से कहना कि किस तरह से हम अपनी जीवन से, अपने भारतीय संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, उसी को ये फिल्म दर्शाती है। हमारी फिल्म का 5 कहानियों का एक कॉम्बिनेशन है जो मिलके एक फिल्म बनाता है। और ये पांचों कहानियाँ जो है वो स्वच्छता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, लिटरेसी, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और वही संदेश देती है। साथ में भारतीय ग्रामीण परंपराओं के बारे में भी आपको अवगत कराती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा लुप्त हो गई हैं। तो ये फिल्म पूरे मनोरंजन के साथ आपको संदेश दे रही है। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो फिल्म देखने थिएटर तक ज़रूर जाएं। और उबोन डीजन ने, पंचकृति ने जो उनके लिए उपहार रखे हैं, तो वो जाएं थिएटर और अपना भाग्य आजमाएं। प्रत्येक शो में 3 भाग्यशाली विजेताओं को ये आकर्षक उपहार दिए जाएंगे और ये ऑफर 7 दिन तक चलेगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि देर ना करते हुए जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कराएं और फिल्म देखें पंचकृति और अपना मनोरंजन भी करें। थैंक यू। मूवी का शूट कहाँ पे हुआ था और कितने दिन में मूवी का शूट खत्म हुआ? फिल्म का शूट जो है वो बुंदेलखंड के एक छोटे शहर चंदेरी में हुआ है, उसके आसपास के गांव में। और ये चंदेरी जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। साथ में ये फिल्म की शूटिंग में कम से कम 1 महीना हमें लगा है और सारी रियल लोकेशंस हैं। मैं कहूँगी ऐसी लोकेशंस हैं जो अनफैथोमेबल हैं अभी तक, जो आपको बॉलीवुड में किसी भी बड़ी फिल्म के में दिखाई नहीं दी होगी, जो हमने इस्तेमाल की हैं इसमें। और इसमें काफ़ी सारे आपको लोकल के एक्टर भी नज़र आएंगे जो बहुत अलग अलग अभिनय करते हुए अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो वहीं से बिलोंग करते हैं। और हमने कोशिश की है कि उस टैलेंट को पर्दे पर लाएँ जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। नमस्कार, मैं बिजन काला और मैं इस वक्त अहमदाबाद आया हुआ हूँ अपनी फिल्म पंचकृति के प्रमोशन के लिए। और इस वक्त मैं हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सुंदर है और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के, और अपने वो दिन कॉलेज के दिन वो बिल्कुल यादगार ताज़ा हो गए। जी सर, आपकी मूवी के अलावा आपका अहमदाबाद में एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैं अहमदाबाद 2-3 बार आ चुका हूँ पहले भी। okay. और क्या कहते हैं कि एक अच्छा वो है मेरे जीवन के प्रति कि मतलब कि मैं एक अच्छे शहर में आ रहा हूँ, एक अच्छी स्टेट में आ रहा हूँ और प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा है। तो अहमदाबाद के बारे में तो मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप कोई अपकमिंग फिल्म के बारे में कोई रिवील करना चाहते हो? हाँ, मतलब अपकमिंग फिल्म बहुत सारी हैं, एकदम से याद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैडो की 3 फिल्में हैं और आपका मर्डर मुबारक है, सर्वगुण संपन्न है, रूमी की शराफत है। और उसके बाद अभी एक हाल फिलहाल में एक सीरीज़ कर रहा हूँ मैं, कथा काजोल और कृति सेनन के साथ। कथा कंपनी है, वो 2 पत्ती है कहानी का नाम, वो फिल्म कर रहा हूँ। और एक फिल्म है मेरी जीवन बीमा योजना, वो आने वाली है। और एक है 11-11 करके सीरीज़, वो आने वाली है सिक्ख्या कंपनी की। बहुत सारी चीज़ें। और सर, आपका अभी तक सब सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया है, तो अब ये यंगस्टर के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा होता है। किसी भी यंगस्टर के साथ जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी आपको एक्सपीरियंस गेन करते हैं आप, क्योंकि हम जो करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। और जब हम किसी यंगस्टर के साथ काम करते हैं तो कभी कभी हमको बहुत सीखने को मिलता है, जब सिखाने को मिलता है तो सीखने को भी मिलता है। ओके सर, थैंक्स।